हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गीता सिन्हा चैनल में स्वागत है आप लोग का। आज मैं निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। देखिए, ये हमारा अभी ऑर्डर का है निटिंग पैटर्न। अभी ठंड का समय है तो हमारे पास आया है स्वेटर। इसमें ये बॉर्डर हमारा है, देखिए ये अभी स्लीव डिजाइन चल रहा है, ये स्लीव है तो इसमें ये बॉर्डर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बॉर्डर बनाना भी बताऊंगी, कैसे हम ये बॉर्डर तैयार करते हैं निटिंग पैटर्न में। ओके, और ये हमारी सीधी पार्ट है और ये हमारी उल्टी पार्ट है। ये हमें उल्टी पार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अभी हम सीधी पार्ट की ओर हैं। देखिए, अभी यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये हम इतनी बुनाई अभी कर चुके हैं, यानी कि हमारा ये फुल हाथ का है, फुल स्लीव है। तो फुल स्लीव में क्या है कि एल्बो के 1 इंच नीचे जब आप पहुंचे या 2 इंच नीचे, यदि हेल्दी है जिनका हम बना रहे हैं, यदि हेल्दी पर्सन है तो 2 इंच नीचे से ही यहाँ इंक्रीज करना होता है। ये हमें, इसे हम घर बोलते हैं। तो इंक्रीज कैसे किया जाता है मैं वो अभी इसमें बताती हूँ, और ये सीधी पार्ट हम कैसे बुनते हैं। तो देखिए, आप एक रो से, हेल्दी लोगों के लिए एक रो से आप 4 निकालिए, मीडियम साइज के लोगों के लिए 3, और थोड़े बारीक हैं तो 2 निकालिए एल्बो के 1 इंच नीचे से, या 2 इंच नीचे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इंक्रीज करना है। पहले तो मैं एक बताती हूँ, इस तरह से हम सीधी की बुनाई करते हैं। ऐसे यहाँ से लीजिए, इस तरह से फंदे लीजिए। ये 2 तरीके से भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी ले सकते हैं अपोजिट साइड से। मैं ऐसे बुनाई करती हूँ तो एक ही डायरेक्शन रखिए। यदि आप इस तरह से लेते हैं फंदे तो ऐसे रखिए, यही डायरेक्शन आपका पूरा स्वेटर में चलेगा। और यदि आप आगे से इस तरह से लेते हैं, देखिए, तो यही डायरेक्शन रखिए। मैं इसमें ऐसे ही बुनाई कर रही हूँ तो यही डायरेक्शन रखूंगी, देखिए। ओके, अभी इंक्रीज कैसे करना है तो देखिए, ये हमारा घर है, ये तो पीछे, इसके पीछे हम सिलाई डालेंगे, इसे हम सिलाई बोलते हैं, सिलाई डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे एक, फिर आगे से उसी घर से आगे से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे एक घर से 2 घर निकल चुका है। ओके, तो इस तरह से इंक्रीज करना होता है बारीक लोगों के लिए। एक रो से एल्बो के 1 इंच नीचे से हम 2 निकालेंगे, और थोड़े हेल्दी हैं तो 4 निकालिए। मीडियम साइज के लोग के लिए बना रहे हैं आप तो 3 निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसमें एक यहाँ निकाल चुके हैं, एक अभी आपको दिखाए, अब यहाँ हम एक और निकालेंगे। ये हमारे मीडियम साइज का है, इस तरह से हम अभी यहाँ से हम एक और निकाल लेंगे, इस तरह से, देखिए। ओके, तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको उल्टी साइड में बताते हैं कि उल्टी साइड हमें कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं पलट चुकी हूँ। अभी देखिए, सीधी पार्ट हमने बुनाई की थी, ये देखिए, ये हमारी सीधी पार्ट है। ओके, अभी ये हमारा उल्टी साइड हम आ चुके हैं, इसे हम उल्टी साइड बोलते हैं, ये हमारा। ओके, उल्टी साइड का पहचान है, ये जो हमारा साइड का बॉर्डर रहता है ये उल्टी साइड की तरफ मुड़ जाता है। जब हम इसे स्टिच करेंगे और पार्ट बनाएंगे इसका, तो उसमें तो ये फिर सही हो जाता है। तो ये हमारी उल्टी साइड है। तो चलिए, उल्टी साइड कैसे बुनाई होती है देखिए। सबसे पहले ये आप उतार लीजिए इस तरह से। ओके, फिर ऐसे देखिए, सिलाई को आगे की ओर इस तरह से लीजिए और ये फंदे ऐसे, जैसा कि मैं सीधी साइड में भी बता चुकी हूँ, फंदे आप 2 तरीके से ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे या फिर आपकी हैबिट कैसी है उसके अनुसार भी आप ले सकते हैं, इस तरह से, देखिए। ओके, अभी हम सीधी रो में, सीधी जो पार्ट थी हमारी उस रो में हम इंक्रीज कर चुके हैं, तो अभी हम नहीं करेंगे। तो एल्बो तक आने के बाद हम इंक्रीज करना शुरू करते हैं ये स्लीव पार्ट। ओके, तो इस तरह से हमें सीधी और उल्टी इसमें बुनाई होती है, देखिए इस तरह से, ऐसे लीजिए, ये फंदे लीजिए और इस तरह ऐसे फंदे और ऐसे, इस तरह से बुनाई होती है।
तो इस वीडियो में मैं आपको सीधी और उल्टी कैसे बुनाई होती है और इंक्रीज कैसे करते हैं वो बताई हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो लाइक कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है कि नहीं वो भी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।